अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रीडवर्क्स. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन जंप्स फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक, तो पहले तो हमें यह समझना है कि ये रीडवर्क्स क्या होता है ना. वन रीडवर्क, वन रिडवर्ग एनर्जी जो होता है ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर 9 रिडवर्ग एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा 9 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. हमें कहा गया कि ये जो एनर्जी है 9 रिडवर्ग, ये आयनाइजेशन एनर्जी है. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम का, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, उसको हम लोग लिखते हैं R इंटू ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है 9 रेडवर्क्स है, यानी कि 9 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर. तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, जेड का वैल्यू देखेंगे आएगा 3. ठीक, अब कहा गया कि जैसे ये एन इज इक्वल टू 1 हुआ ग्राउंड स्टेट, एन इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो कहा गया कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी एन इज इक्वल टू 3 से ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना वेवलेंथ जो है का फोटोन वहाँ से इमिट होगा, रेडिएशन इमिट होगा. Find the wavelength of a radiation emitted when the electron in this ion jumps from second excited state, यानी n equal to 3 से to the ground state, यानी n equal to 1 तक, है ना. तो इसमें हम लोग जो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल का स्क्वायर, है ना. तो R जो होता है 1.01 × 10⁻¹. Z का वैल्यू आया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे. फाइनली जो है ग्राउंड स्टेट में गया है और इनिशियली किस में था, 3 में था, n इक्वल टू 3 में, है ना. तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, है ना. तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो है 11.4 नैनोमीटर जो है वो आ जाएगा. तो ये जो है फोर्थ वाला ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन आएगा.